दोस्तों, अगर आपने कभी वीडियो गेम्स में कार वाले गेम्स खेले हैं तो आपको पता होगा कि कार से स्टंट करना आसान नहीं है। मूवीज में कार के स्टंट और ड्रिफ्टिंग देखने में काफी इजी लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल जिंदगी में हमें रोड और ट्रैफिक रूल्स का भी ध्यान रखना होता है और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लाइफ भी नहीं होती। लेकिन हर फील्ड की तरह कार चलाने में भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लेग ड्रिफ्ट। ये वीडियो सिर्फ ड्राइवर की स्किल और साहस को नहीं दिखाती, बल्कि ये भी दिखाता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है और उसे अपने आप पे कितना भरोसा है। आज से 15 साल पहले पोलैंड के इस ड्राइवर का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। एम्बुलेंस के टाइम पर पहुंच जाने के कारण उनकी लाइफ तो बच गई, लेकिन उनको बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। अगर इनकी जगह पर कोई और होता तो शायद कभी इसके बाद एक नॉर्मल लाइफ न जी पाता। लेकिन उन्होंने हर चीज को पैर से करना सीख लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रोफेशनल ड्राइवर बनने का सपने को भी पूरा कर लिया। उन्होंने पैर से कार चलाना सीखा और आज वो दुनिया के सबसे महान ड्रिफ्टर में से एक हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कस्टमाइज निसान स्काईलाइन GTR 34 को चलाया कैसे? वेल, वो अपने लेफ्ट पैर से स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करते हैं और राइट पैर से पेडल्स। इसके बाद गियर शिफ्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं जो उनके कंधे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इससे ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी आपको शायद ही सुनने को मिले। क्लाइंबिंग स्टेयर्स। पहली बार इस नजारे को देखकर लगता है मानो ये व्यक्ति ग्रेविटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। दोस्तों, ये है होपिन तुम। ये एक चाइनीज ड्राइवर है और इन्होंने 2017 में LMP2 कैटेगरी में 24 आवर्स के लीमंस जैसा वर्ल्ड फेमस कॉम्पिटिशन जीता था। लेकिन वो यही नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने एक और अजीब कॉम्पिटिशन में भाग लिया जहाँ उन्होंने 99 ड्राइवर्स को 99 क्रेजी टर्न्स वाली रोड पर ड्राइव की। इसके बाद उन्होंने एक रेंज रोवर स्पोर्ट SUV की मदद से चाइना में स्थित हेवन गेट पर क्लाइंबिंग की। यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल 999 सीढ़ियाँ हैं और इनका एंगल 45 डिग्री तक का है और कहीं कहीं तो ये 90 डिग्री तक भी पहुँच जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ना तो होपिन तुम को और ना ही शो के ऑर्गेनाइजर को ये यकीन था कि वो सही सलामत वहाँ ऊपर तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उन्हें ये चैलेंज पूरा करने में 22 मिनट और 41 सेकंड लगे थे और उन्होंने इसके लिए जो कार यूज की थी उसका इंजन 404 हॉर्स पावर का था। अब आप कहेंगे कि होपिन तुंग ने हर चीज 9 वाली ही क्यों रखी है, मतलब 99 और फिर 999। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि चाइना में 9 एक बहुत ही लकी नंबर माना जाता है। आपको बता दूं कि 1999 में माउंटेन के ऊपर के उस होल से एक प्लेन भी निकला था। साइड व्हीली। अगर आपको पिछले वीडियो में स्पीड की कमी लग रही थी तो जरा ये देखिए, इसको देखकर आपको अपनी सुबह की चाय से भी ज्यादा रिफ्रेशमेंट महसूस होगी। फिनलैंड के स्टंट ड्राइवर वेसा किविमाकी का नाम BMW को स्पीड से चलाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है और उन्होंने इसे सिर्फ 2 साइड व्हील्स पर चलाया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस समय कार की स्पीड 186 किलोमीटर पर आवर थी। यह अजीब रेस सिनाजुकी एयरपोर्ट पर हुई थी और इसको स्पॉन्सर निकॉन टायर कंपनी ने किया था। दोस्तों, ये कंपनी असल में एरामिड फाइबर से बने मजबूत टायर्स का प्रमोशन कर रही थी। इसके पहले ये रिकॉर्ड गोरियन इलेक्शन के पास था और किविमाकी ने इस रिकॉर्ड को 5 किलोमीटर पर आवर के अंतर से तोड़ दिया था। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक रिकॉर्ड 2 पहियों पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का भी है। ये डिस्टेंस थी 374 किलोमीटर। क्या आप इस पर यकीन कर पाओगे? पार्किंग अ ट्रक। दोस्तों, अगर आपको ड्राइविंग की बेसिक नॉलेज भी है तो आपको पता होगा कि गाड़ी जितनी बड़ी होगी उसे पार्क करना उतना ही कठिन होगा। हाँ, गाड़ी में रियर मिरर और कैमरास वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी ये आसान काम नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट तो ऐसे भी हैं जो ये काम बिना कोई गैजेट के भी कर लेते हैं। जरा वर्ल्ड बेस्ट ड्राइवर कॉम्पिटिशन से आई इस वीडियो फुटेज को तो देखिए। यहाँ ये ट्रक ड्राइवर अनबिलीवेबल एक्यूरेसी से ट्रक को कंट्रोल कर रहा है और उसे पार्क भी कर रहा है। ऐसे कॉम्पिटिशन दुनिया भर में होते रहते हैं। इनमें से सबसे फेमस है डैकर रैली और ये हर साल यूरोप से लेकर साउथ अमेरिका तक के कई देशों में होती है। ड्राइवर इस कॉम्पिटिशन में ट्रक, बाइक, मोटरसाइकिल, ATV, UTV और न जाने कितनी प्रकार की व्हीकल्स लेकर आते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले लोग कोई प्रोफेशनल लेवल के ड्राइवर नहीं होते। रिवर्स ड्राइविंग। दोस्तों, रिवर्स में कार चलाना ड्राइवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन हमारे भारत के इस इंसान के तो कुछ और ही विचार हैं। ये लगातार 12 सालों से ही रिवर्स में कार चला रहे हैं
और आज तक उन्होंने 64,000 किलोमीटर रिवर्स ड्राइविंग कर ली है। हुआ यूं कि एक दिन हरप्रीत की कार बीच में कुछ खराब हो गई और उन्हें जल्दी घर जाना था, तो उन्होंने थोड़ी दम दिखाई और पूरे रास्ते रिवर्स में कार चलाते रहे। अब तो उन्होंने अपनी कार को रिवर्स में ही चलाने के लिए डिजाइन कर लिया है और वो दूसरे ड्राइवर को भी ये स्किल सिखाने के लिए एक स्पेशल स्कूल भी खोला है। बैरल रोल इन अ कार। दोस्तों शायद आप नहीं जानते होंगे कि बैरल रोल क्या होता है। किसी भी गाड़ी को हवा में 360 डिग्री रोटेट करवाना और वो भी बिना उसकी डायरेक्शन चेंज करे, इसे बैरल रोल कहते हैं। आपने एयरक्राफ्ट के पायलट को ऐसा करते देखा होगा, लेकिन अब ये स्किल जमीन पर भी उतर चुकी है और इसके लिए हमें टेरी ग्राउंड्स को धन्यवाद देना होगा। उनके नाम बहुत से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 2017 में उन्होंने एक अजीब कारनामा कर दिखाया। उन्होंने एक जैगुआर ई-पेस क्रॉसओवर में 15 मीटर की छलांग लगाकर 270 डिग्री का बैरल रोल किया। ये कार से किया गया सबसे लंबा बैरल रोल था। इसके दौरान वो 5.5G का प्रेशर झेल रहे थे और आपको बता दूं कि स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट भी इससे काफी कम प्रेशर झेलते हैं। इसके 2 साल पहले ही टेरी ने दुनिया का सबसे ऊंचा डेड लूप किया था, जो करीब 20 मीटर ऊंचा था। पैरेलल पार्किंग। दोस्तों पैरेलल पार्किंग का आर्ट बिल्कुल भी इजी नहीं है और ये किसी प्रोफेशनल के लिए भी काफी टफ माना जाता है, लेकिन इस फील्ड में भी कुछ एक्सपर्ट हैं। ऐसे ही एक एक्सपर्ट है चाइनीज स्टंट ड्राइवर हान यू, जिन्हें पार्किंग के आर्ट में महारत हासिल है। 2012 में उन्होंने अपनी कार से सिर्फ 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जगह में कार पार्क कर दी थी और 2014 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर सिर्फ 8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जगह में कार पार्क कर दी थी। नैरो टनल। दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई जबरदस्ती छोटी साइज के कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वो उसके फेवरेट है। इस वीडियो में एक बस ड्राइवर अमेरिका के साउथ डकोटा के हाईवे के टनल से बस को पास करवा रहा है। टनल की चौड़ाई सिर्फ 2.44 मीटर है और बस उससे बस कुछ सेंटीमीटर ही ज्यादा चौड़ी है, लेकिन ड्राइवर की स्किल को तो देखिए, उसने एक ही बार में बस को बाहर निकाल दिया, नहीं तो पैसेंजर तो बाहर निकल ही नहीं पाते। 8 आवर ड्रिफ्ट। दोस्तों किसी टैक्सी ड्राइवर को एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा टैक्सी चलाने की परमिशन नहीं होती और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनका कंसंट्रेशन कम हो सकता है और कोई दुर्घटना घट सकती है। बड़े बड़े शहरों में कई बार इतना लंबा जाम लगा होता है, लेकिन जब बात ड्राइविंग की हो और वो भी अजीब तरीके से, तो 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। डेनमार्क के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जॉन वॉल्ट्स ने अपनी BMW M5 की मदद से लगातार 8 घंटे तक एक गोले में ड्रिफ्टिंग की थी। 374 किलोमीटर तक लगातार कार चलाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था। दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनकी BMW में फ्यूल कैसे डाला जाएगा, क्योंकि 8 घंटे तक तो उसका फ्यूल नहीं चलने वाला। इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि एक और ड्रिफ्टिंग कार से उनकी कार में फ्यूल भरा गया। बहुत ही इंटेलिजेंट सॉल्यूशन था भाई। ट्रैक्टर ड्रिफ्ट। दोस्तों अगर आपको लगता है कि सिर्फ कार ही ड्रिफ्ट कर सकती है और ट्रैक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तो शायद आप गलत हैं। स्वीडन के एक टायर ब्रांड वियोनोर ने एक 1956 वॉल्वो BM ट्रैक्टर को 225 हॉर्स पावर का बना दिया और फिर इसे खाली जगह पर चलाया। इसके बाद तो ट्रैक्टर ने ऐसे ऐसे टर्न्स लिए कि शायद कोई रेस कार भी शर्मा जाती। ह्यूज स्पीड बम्प। दोस्तों ये वीडियो असल में एक एड है, लेकिन इसकी क्रिएटिविटी के लिए इसके क्रिएटर की तारीफ तो करना बनता है और इसीलिए हमने इसे अपनी वीडियो में रखा है। ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर ने पैसेंजर के पेशेंस को टेस्ट करने के लिए 1.5 मीटर का स्पीड बम्प बना दिया। यहाँ पर सभी एक्टर पेड हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग काफी असली लगती है। होता ये है कि कोई भी कार उस बम्प को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन फिर एक लैंड रोवर आती है और आसानी से बम्प के ऊपर से निकल जाती है। इसे देखकर आसपास के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।